हेलो हेलो, आवाज आ रही है? ठीक यस सर, आवाज आ रही है। है। हेलो, हेलो ड्राइवर जान पछाड़ हेलो, सुन रहे? वही शाबाश, नायाब है, माज है, जवाद है, ठीक है, मोहम्मद फजल दीवान, वो मोहम्मद। अच्छा, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द प्लांट फिजियोलॉजी, द इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सर आज शाबाश, रियाज खान है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। आप इसमें लिखे कि हाउ वी कैन डिफाइन प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी इज एसेंशियली द स्टडी ऑफ वर्किंग ऑफ प्लांट ऑर्गन। प्लांट फिजियोलॉजी इज एसेंशियली द स्टडी ऑफ वर्किंग वर्किंग ऑफ प्लांट एसेंशियली द स्टडी ऑफ वर्किंग ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। इसके बाद देखें, इट अटेम्प्ट्स टू डिटरमिन दैट डिफरेंट फंक्शंस आर परफॉर्म बाय प्लांट ऑर्गन्स एंड प्लांट फिजियोलॉजी शो हाउ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल साल्ट फ्रॉम द सॉइल एंड मिनरल साल्ट फ्रॉम द सॉइल MINERAL एंड मिनरल साल्ट फ्रॉम द सॉइल कामा दे प्रिपेयर कार्बोहाइड्रेट्स कामा प्रोटीन फैट्स FATs, फैट्स एंड अदर सब्सटेंसेस वाइल दे आल्सो रेस्पायर कामा दे ग्रो कामा दे रिप्रोड्यूस कामा दे शो मूवमेंट्स ऑफ देयर ऑर्गन कामा दे ट्रांसफॉर्म एनर्जी एंड दे शो वेरियस लाइफ प्रोसेसेस एंड दे शो वेरियस लाइफ प्रोसेसेस फुल स्टॉप। प्लांट फिजियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड मैकेनिज्म ऑफ ऑल सच लाइफ प्रोसेस एंड मैकेनिज्म ऑफ ऑल सच लाइफ प्रोसेस। रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, मूवमेंट्स है, ठीक है ना, फैट्स है, प्रोटीन है, इनकी सिंथेसिस है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट आप पैराग्राफ लगाएं और उसको अंडरलाइन करें। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, तो इसको जरा अंडरलाइन करें। शाबाश फजल बासित साहब, और ठीक है ना, साहब रियाज है। प्लांट फिजियोलॉजी इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस फुल स्टॉप। इज एन एक्सपेरिमेंटल EXPERIMENTAL एक्सपेरिमेंटल साइंस, इसमें जो तजुर्बाती साइंस है जिसमें तजुर्बे शामिल है, इसमें प्रैक्टिकली तजुर्बे शामिल है फुल स्टॉप। इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस फुल स्टॉप। रीसेंट रिसर्चेस हैव मेड इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रीसेंट रिसर्चर्स या रिसर्चेज RESERCHES रीसेंट रिसर्चेस हैव मेड इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन
contributions in this field, and a remarkable contribution, yeah, important contributions in this field. For that, it is progressing. यानी ये दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है this science. It is progressing because of its large practical utility. Utility. शाबाश. Next लेते हैं इसमें कुछ आप लगाएं. Basic knowledge about nutrition. आप पढ़े मत ना, ठीक है ना, बस लिखे सुने और लिखे. बेसिक नॉलेज अबाउट न्यूट्रिशन कामा ग्रोथ कामा रिप्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स. रिप्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स इज प्रोवाइडेड बाई ए प्लांट फिजियोलॉजिस्ट. Is provided by a plant physiologist. What's up? Improvement in quality and yield, YIELD, and yield of fruits and vegetables, and suggestions regarding their refrigeration improvement. भाई सुने जरा, कान जरा खुले रखें. मैं तो आहिस्ता आहिस्ता लिख आपको इसलिए पढ़वाता हूँ कि आप वो सुने, फिर आखिर में आप देखें जरा, ठीक है ना. तो ये है इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड यील्ड of fruits. आप बातें मत करें ना, he said, क्योंकि और लोगों का वक्त वो खराब होता है. आप सुने जरा, कानों को जरा खोले, शाबाश. इम्प्रूवमेंट सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन, वी कांट अंडरस्टैंड ऑन योर लेक्चर सर. ये सब समझती है, आपको समझ नहीं आती. Exactly, sir. We need slides, and on the basis of slide, you can explain it, sir. No. हमारे पास इस तरह का वो नहीं है, स्लाइड का कोई कैमरा नहीं है, कोई इस तरह नहीं है. ये जो ये इसको आप ये क्या मुश्किल काम है, ये तो आप भी इसी में पढ़ते रहे फिजियोलॉजी. Sir, you explaining or you making the dictation, sir? It's very difficult to understand your lecture. इस तरह है, अंडरस्टैंड तो वो होगा कि हम बोर्ड पे आपको कर ले. हमारे पास को कैमरा का कोई वो नहीं है, इसको आप काफी समझे. और ये तो फिजियोलॉजी अली बे है फिजियोलॉजी, ठीक है ना. तो ये यहाँ ये ऐसे काम होता है, इस तरह का तो नहीं हो कि हम कैमरा लेके तो आपको समझाए. ये तो बोर्ड का काम है ना, ये तो हमारी हमारा कसूर नहीं है. असल में ऑनलाइन क्लासेस तो इस तरह है, लास्ट ईयर भी हम इस तरह पढ़ाते रहे, ठीक है ना. Once you complete your first topic, then can you please repeat it again for us? No. It is the first time. बस हमारे पास इतना वक्त तो नहीं है कि बार बार, ये तो बड़ा लंबा कोर्स है. अगर हम एक टॉपिक के पीछे पढ़े तो ये तो हम नहीं कर सकते, ठीक है ना. आप कौन है? ठीक है सर. कौन है, आपका नाम क्या है, नाम मुझे बताएं. नाम मुझे बताएं ताकि मैं जरा देखूं को आप कौन लोग हैं. नाम बताएं सर, इसको सर इसको छोड़ दो इसको सर, बस लेक्चर दो. सबको वक्त खराब करते हो कोई सर. यू डू नॉट माइंड कंटिन्यू योर लेक्चर, ओके सर. ये तो बच्चों का लेक्चर है, ठीक है ना. और ये तो ठीक है सर. दसवीं से आपने किया है, बारहवीं से किया है, आपने बीसी में क्या है, आपने में सी में क्या है, खुदा के बंदे. सर आप माइंड ना करें, सर सॉरी सर, माइंड ना करो, चलने दो लेक्चर को. इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड यील्ड ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड सजेशन
regarding their refrigeration, comma, storing, storing, and safe shipping, and safe shipping is HIPPING, and safe shipping across long distances are based on experiments in physics. ठीक है ना, फिर आपको उसको देखें एंड सजेशन रिगार्डिंग दियर रेफ्रिजरेशन स्टोरिंग रेफ्रिजरेशन रेफ्रिजरेशन स्टोरिंग एंड सेफ शिपिंग अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस आर बेस्ड ऑन ऑन एक्सपेरिमेंट्स इन फ्यूजन. इसको समझे, इसको समझे कि हमें फिजियोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है कि इसे हम करते हैं. अच्छा, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी. हम फिर फिजियोलॉजी काम ले क्या काम लेते हैं कि क्वालिटी और इम्प्रूवमेंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स करते हैं, इम्प्रूवमेंट उस पर करते हैं, हमें ये इल्म हासिल होता है. एंड सजेशन रिगार्डिंग द रेफ्रिजरेशन, और बाज सीड्स को हम रेफ्रिजरेशन में रखते हैं, उसको ठंडा करते हैं, बोने से पहले स्टोर करते हैं उसको, ठीक है ना. फिर उसको अगर ला एंड सेफ शिपिंग अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस, और फिर हम उसको दूर तक ले जाते हैं जहाजों में और लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर रहते हैं, तो ये सारे तजुर्बात जो है ये प्लांट फिजियोलॉजी की मरहून मेहनत है. इसके साथ फुटस्टॉप लगाए आपने के और इसके क्या फायदे हैं, क्या इम्पोर्टेंस है. यूजफुल इंफॉर्मेशन देखें आप, यूजफुल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाई प्लांट फिजियोलॉजिस्ट. यूजफुल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड by plant physiologists to those people who are interested in growing, ornamental flowering plants, ठीक है ना. To those people who are interested in growing ornamental flowering plants. और सर इसके साथ लिखें, A large number of plant diseases, including some of those caused by fungi and bacteria, cannot study well without the knowledge of the physiology of the plant physiology. A large number plant disease जो है जिसमें कुछ डिजीज फंजाई के हैं, कुछ बैक्टीरिया के हैं, दे आर कैन नॉट स्टडी वेल विदाउट नोइंग दी नॉलेज ऑफिसर. अगर हमें फिजियोलॉजी का इलम ना हो तो हम जो है जो मुख्तलिफ डिजीज हैं जो विच आर काज बाय फंजाई एंड बैक्टीरिया, तो उसको हम नहीं समझ सकते. यानी ये भी फिजियोलॉजी की एक इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना. सर जी, अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेस, ये रिपीट करें. अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट डिजीजेस इंक्लूडिंग सम ऑफ दोस कॉज्ड बाय फंजाई एंड बैक्टीरिया कैन नॉट बी स्टडी वेल विदाउट नोइंग द फिजियोलॉजी ऑफ द डिजीज प्लांट. अच्छा, अभी आते हैं जरा इसकी और इम्पोर्टेंस क्या है, प्लांट फिजियोलॉजी की इम्पोर्टेंस और क्या है. ये और बुक से आप लिख सकते हैं, तो मुश्किल तो नहीं है, ये तो नेट पे भी अवेलेबल है, जगह अवेलेबल है प्लांट फिजियोलॉजी की इम्पोर्टेंस. अच्छा, इसमें लिखें जो और पैरा है, और क्या इम्पोर्टेंस है प्लांट फिजियोलॉजी की. सम फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस लाइक फोटोसिंथेसिस कामा respiration, comma, protein synthesis,
protein synthesis, comma, fat metabolism, FAT, fat metabolism, protein, and other chemical changes like diffusion, D-I-F-U-S-I-O-N, diffusion, comma, osmosis, O-S-M-O-S-I-S, osmosis, comma, transpiration, comma, translocation of solutes, S-O-L-U-T-E-S, solutes, are physical in nature. ये भी ये भी प्लांट फिजियोलॉजी के इम्पार्ट्स में आता है. क्या क्या मसलन ये जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, मसलन फोटोसिंथेसिस है, सांस लेके अमल है, रेस्पिरेशन है, प्रोटीन सिंथेसिस है, फैट मेटाबॉलिज्म है, और दूसरे जो डिफ्यूजन का अमल है, ऑस्मोसिस है, ट्रांसपिरेशन है, ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स है, ये सब फिजियोलॉजिकल के फिजियोलॉजी इम्पॉर्टेंस पे आते हैं. ये सब फिजियोलॉजी के जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है. डिफ्यूजन तो आप समझते हैं कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिजॉल्व सब्सटेंसेस मूव फ्रीली थ्रू ए सॉल्वेंट, मूव फ्रीली थ्रू ए सॉल्वेंट डिफ्यूजन. और आसपास से तो आपको पता है द टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल या आप मॉलिक्यूल टू मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन. ये सर जी डिफ्यूजन ऑस्मोसिस किससे डिफरेंस थी? डिफ्यूजन से नहीं कर रहा, ऑस्मोसिस वाटर मॉलिक्यूल हो रहा आओ कर द सॉलिड हो रहा डिफ्यूजन हो रहा. द मॉलिक्यूल ऑफ डिजॉल्व सब्सटेंसेस मूव फ्रीली थ्रू द सॉल्वेंट दैट डिफ्यूजन. दे ऑस्मोसिस इज द टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस to move from the region of higher concentration to the region of lower concentration. अच्छा इसकी इस तरह है, इसमें जो चीजें है और importance और क्या है, this shows, इसके साथ लिखे this shows how the science of physiology is related with physics and chemistry. ठीक है, ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी है. ठीक है ना, फॉर दिस रीजन अ स्टूडेंट ऑफ फिजियोलॉजी मस्ट बी इक्विप्ड EQUIPPED मस्ट बी इक्विप्ड विद नॉलेज ऑफ दीज सब्जेक्ट्स. यानी एक फिजियोलॉजी के स्टूडेंट को ये असल में ये जो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन और मेटाबॉलिज्म और ये फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, तो मस्ट बी इक्विप्ड विद दीज नॉलेज आल्सो. तो फिजियोलॉजी का उसको जो है वो इलम होगा और उसके साथ कुछ ना कुछ इलम उसको फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी होगा. तो ये तीनों सब्जेक्ट का अहाता करती है फिजियोलॉजी. ठीक है ना, मस्ट बी इक्विप्ड विद नॉलेज ऑफ दी सब्जेक्ट्स, नॉलेज ऑफ दी सब्जेक्ट जिसमें फिजिक्स है और केमिस्ट्री भी है. तो ये तीनों जो है फिजियोलॉजी का स्टूडेंट जानता है कि जो है वो फिजियोलॉजी और फिजिक्स का भी उसको इदराक है और केमिस्ट्री का भी उसको इदराक है. ठीक है, इसके साथ लिखे मोर वर फॉर ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोस्ट ऑफ लाइफ प्रोसेसेस प्लांट्स, प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ वास्कुलर प्लांट इज एसेंशियल. और इसके साथ जो है इनका भी अहाता करती है प्लांट फिजियोलॉजी और लाइफ प्रोसेसेस जिसमें प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी भी शामिल है और एनाटॉमी ऑफ वास्कुलर प्लांट भी शामिल है. तो इसमें भी ये किरदार अदा करती है. ठीक है ना, मोर वन फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग आप मोस्ट
of life processes, of most of life processes of a plant morphology and anatomy of vascular plant is essential. Anatomy of vascular plant is essential. Oh, Shahid Jameel bhi baita hai, Rehnaz Sajjad hai, Abidullah hai, theek hai? Yes, sir. Atika hai, Maaz hai, Jawad hai, Mehnoor hai, Mamoon hai, Shahbaz, Bilan hai, Mamoon, Muhammad Fazlidiyan hai, Nayab hai, Rahman, Azra Begum hai, Fazal Basit hai, theek hai na? Aur bhi hamare paas ye Mr. Mamoon Rashid. ये जरा इस तरह क्या करे के जो है आप सब बैठा करें क्योंकि यही चीज है आपकी अटेंडेंस में बहुत इमदाद करती है. नाउ वी आर प्रोसीडिंग we are जो है concerning with the other topic. आप इस topic को लेते हैं कि एक हमारे पास है फिजान जी के topic है उसका नाम है एक का ये है कि ये आप जरा एक इसकी लिखे account of structure of water underline करें account of structure of water. सेकंड आप लिखे वाटर शाबाश. सेकंड लिखे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर है ठीक है ना. और तल लिखे आप इसमें हम एक दो कर लेंगे बाकी दूसरे हफ्ते कर लेंगे. इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर टू प्लांट लाइफ इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिजिकल इस तरह करेंगे काउंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वाटर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर ठीक है ना. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर है और थर्ड है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर टू प्लांट लाइफ. इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर टू प्लांट लाइफ यानी एक तो के पानी का स्ट्रक्चर क्या है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी है ठीक है ना. और वाटर की अहमियत तो प्लांट के लिए क्या है यानी क्या किरदार अदा करती है प्लांट लाइफ में वाटर. तो पहले वाला आप लिखें फर्स्ट नंबर लिखें स्ट्रक्चर ऑफ वाटर. इसको अंडरलाइन करें इसका स्ट्रक्चर ऑफ वाटर ठीक है. इसको अंडरलाइन करें ये तो बच्चों वाली बात है ठीक है ना. स्ट्रक्चर ऑफ वाटर तो आप 9वीं 10वीं से और 5वीं 6वीं से आप पढ़ते हैं क्या है ठीक है हर जगह आपको मिलेगी. फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आपको पता है मैं आपको बता दूं कि वाटर कलरलेस है बेबू है और बेजायका है और पता नहीं इस तरह की इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है. और पानी की अहमियत क्या है यानी प्लांट के लिए पानी की अहमियत क्या है ये तो बिल्कुल बच्चों yes. बच्चों वाली चीजें हैं ठीक है ना. आसान आसान है और हमने आपके लिए yes, कोर्स sir. को जो है आपको इतना लंबे कोर्स को आपको पूजे में बंद किया है ठीक है. ये बड़ा मुख्तसर क्या है बड़े आसान आसान अल्फाज में आपको करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए. तो अभी एक मिनट में जरा गुण पानी पी लूं ठीक है ना. शाबाश. इसका नोट मिल सकता है सर. यही चीजें आपको हर जगह मिले कोई बात नहीं. अपने दोस्तों से मिले अपने वो कर ले ठीक है ना. तो देखे इसको और ये बड़ी आम सी चीज है. अच्छा भाई हम शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वाटर. इसको अंडरलाइन करें वाटर लिखें और ब्रैकेट में लिखें H2O ठीक है ना. हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 0 H2O जिसका सिंबल H2O है. वाटर इज नॉर्मल ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन In which the two hydrogen atoms are joined to oxygen atom, R-A-R-E, are joined to oxygen atom by covalent bonds. Spelling, covalent bonds. In which two
in which two hydrogen. यार आपको ये भी समझ नहीं आती खुदा के बंदे, जरा कानों को खोले, ये क्या है बच्चों, मैं एक एक क्लब आपको डिक्टेट करता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ आए. द टू हाइड्रो वाटर इज नॉर्मल ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन इन विच द टू हाइड्रोजन एटम्स आर जॉइंड टू ऑक्सीजन एटम बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स. कोवेलेंट बॉन्ड्स CO VALNT bicovalent bonds 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 forming an angle of 105 degree centigrade 105 degree centigrade का angle बनाती है, ठीक है ना. 105 इसके साथ लिखे oxygen atom. Oxygen atom is more electronegative. उसके ऊपर negative charge है. Is more electronegative then hydrogen atom. Then hydrogen atom. ठीक है ना, full stop. इसके साथ देखें the electrons of covalent bonds, the electron of covalent bond tend T-E-N-D tend to be attracted towards partial positive charge. पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है एंड इक्वल पॉजिटिव चार्ज ऑन ईच हाइड्रोजन एटम. पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन ईच हाइड्रोजन एटम इन वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना. तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है. इसके साथ लेके इससे क्या होता है, बिकॉज द पार्शियल नेगेटिव and positive charges, because the partial negative and positive charges are equal, water molecules carries no net charge and is neutral. No net NET, no net charge and is equal. ठीक है ना, तो positive charge और negative charge जो है वो ठीक है ना एक दूसरे के equal होते हैं. और यहाँ पर वो वाटर मॉलिक्यूल जो है H2O जो है वो न्यूट्रल है और इसके ऊपर नो नेट चार्ज है. इसके साथ लिखें पार्शियल नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस ऑन टू साइड्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ऑन टू साइड्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स make it a polar molecule with the result that positive side of one water molecule, that positive side of one water molecule is attracted towards negative side of another water molecule negative side of another molecule, forming a weak electrostatic chemical bond, forming a weak electrostatic static chemical bond, static static chemical bond between the polar water molecule, the polar water molecule. अच्छा, इसमें हमारे पास ये तो structure of water है, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दोनों इक्वल है. और फिर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो नॉर्मल है और इसके ऊपर नो नेट चार्ज है, ठीक है ना. अभी आप लिखें सेकंड इसका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, लिखें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ठीक है ना. इसको अंडरलाइन करें, शाबाश. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, आपको ये तो पता है कि वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ये वाटर की खसूसियात क्या है, तो आपको पता है ना कि स्पेसिफिक हीट है जो है वो प्योर नहीं है, फिर इस तरह की इसकी जो है वो कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, ठीक है ना, याद है ना स्पेसिफिक हीट इसकी इतनी है, लेटेंट हीट इतनी है,
इसका सरफेस टेक्सचर वाटर का इतना है, वो है जो और एडहेसिव प्रॉपर्टीज भी है, और फिर इसके अलावा जो है वाटर इज अ सॉल्वेंट भी है, तो इसमें दो तीन चीजें है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। हाँ ठीक है, तो इसको अभी शुरू करते हैं, शाबाश, दो तीन इस पे करते हैं, फिर नेक्स्ट वीक से फिर इसको आगे जरा ले जाएंगे। इस पे आप लिखे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, इसको अंडरलाइन करें। आप इस पे लिखे नेचुरल वाटर क्या है, नेचुरल नेचुरल व्हाट इज मेंट बाय नेचुरल, कुदरती वाटर जो आम पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सा है कुदरती नेचुरल वाटर, ब्रैकेट में लिखे रेन, रेन वाटर, स्प्रिंग वाटर एंड रिवर वाटर एटसेट्रा वगैरह वगैरह। तो ये कुदरती पानी कहाँ आपको मिलेगा, रेन बारिश का पानी, चश्मों का पानी, ये दरियाओं का पानी, रिवर और भी बहुत सी ऐसी किस्में है वाटर की, जो इसको नेचुरल वाटर कहा जाता है। अच्छा, नेचुरल वाटर इज नेवर प्योर, इज नेवर प्योर PURE, कभी ये खालिश नहीं है, यानी रेन वाटर खालिश नहीं है, स्प्रिंग वाटर खालिश नहीं है, रिवर वाटर खालिश नहीं है, एंड कंटेंट्स, नेचुरल वाटर कंटेंट्स डिजॉल्व सब्सटेंसेस इन इट। क्यों खालिश नहीं है, कंटेंट डिजॉल्व सब्सटेंसेस इन इट, इसमें जो है वो डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं, इसलिए ये प्योर नहीं है। हाउएवर प्योर वाटर, जो जो प्योर वाटर है, जो खालिश पानी है, इज कलरलेस, इसमें कोई जायका नहीं है, कोई रंग नहीं है, इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, ODOUR LEWIS, ऑर्डरलेस लिक्विड विद ए मॉलिक्यूलर वेट, विद ए मॉलिक्यूलर वेट 18 डाल्टन, इसका यूनिट है 18 डाल्टन, DALTON 18 डाल्टन है, कामा इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, बॉइलिंग पॉइंट जो है जिसके ऊपर ये खोलता है, बॉइलिंग BOILING, बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है। एंड मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, और मैक्सिमम डेंसिटी उसका वजन जो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर है, पर सेंटीमीटर इसका ये जो है वो वजन है। अभी आप इसके ऊपर आए स्पेसिफिक हीट, आप लेते स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में वाटर की आता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर SPECIFICE, स्पेसिफिक हीट, इसमें आप देखेंगे क्या कौन सा हीट होता है, इसको क्यों स्पेसिफिक कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, इसकी तारीफ लिखे, डेफिनेशन लिखे, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस, ऑफ यूनिट मास एडिबल इज ऑफ यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस 1 डिग्री इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट। इसकी क्या डेफिनेशन है, आप ए सब्सटेंस 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट। अच्छा, ये क्या है स्पेसिफिक हीट की तारीफ, ये है कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ये असल में हीट एनर्जी है, टू रेज द टेम्परेचर, एक चीज की टेम्परेचर को रेज करती है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो ये जो है ये फिर उसकी स्पेसिफिक हीट होती है, या इसको ज्यादा हीट दे दे या इसको अलग अलग लिक्विड की अलग अलग स्पेसिफिक हीट है। इसके साथ लिखें फॉर 1 ग्राम ऑफ प्योर वाटर, फॉर 1 ग्राम ऑफ प्योर PURE, फॉर वन ग्राम ऑफ प्योर वाटर, यानी खालिस पानी का 1 ग्राम ले लें, और दिस वैल्यू इज 1 कैलोरी, तो ये 1 ग्राम ऑफ प्योर वाटर जो है इसकी जो है 1 कैलोरी एनर्जी है, CALORI, 1 कैलोरी एनर्जी, ये असल में दिस वैल्यू इज 1 कैलोरी, सिंगल कैलोरी या 1 कैलोरी, कैलोरी क्या है आपको पता है ना, प्लांट चीज में इतनी कैलोरी है, और ब्रेड में इतनी कैलोरी है, फ्रूट में इतनी कैलोरी है, तो ये असल में क्या चीज है, ब्रैकेट में इसके साथ कैलोरी के साथ यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट, यूनिट ऑफ
क्वांटिटी ऑफ हीट है, असल में ये एक यूनिट है कैलोरी, इसके साथ ठीक है स्पेसिफिक हीट में, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज हायर देन अदर लिक्विड, इज हायर देन अदर लिक्विड, ये सबसे ज्यादा है वाटर की स्पेसिफिक हीट एक्सेप्ट लिक्विड एमोनिया, और ये लिक्विड एमोनिया से कम है, लिक्विड एमोनिया ए डबल एम ओ एन आई, लिक्विड एमोनिया एन एच थ्री से लिक्विड एमोनिया से कम है, लेकिन और लिक्विड से ज्यादा है, ज्यादा। ये क्यों कम है, लिक्विड एमोनिया से क्यों कम है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना, तो ये इस वजह से कम है कि इसमें जो है बॉन्ड है हाइड्रोजन का और ये मुख्तलिफ मॉलिक्यूल के दरमियान, इसके साथ लिखे व्हेन टेम्परेचर ऑफ वाटर इज रेज्ड, इसके साथ लिखे व्हेन टेम्परेचर ऑफ वाटर इज रेज्ड द वाटर मॉलिक्यूल्स, द वाटर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट, वाइब्रेट वी आई बी आर ए, वो मोशन में हो जाता है, जो ही आप पानी को यानी जोश देते हैं तो इसके मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट फास्टर, वाइब्रेट फास्टर, ये जो है वो तेजी से हरकत करते रहते हैं, एंड एब्जॉर्ब लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एनर्जी, एंड एब्जॉर्ब लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एनर्जी टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड, टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना, एब्जॉर्ब लार्ज क्वांटिटीज, large quantities of energy to break the hydrogen bonds, B-O-N-D-S, शाबाश, अच्छा जवेरिया है, जवेरिया शाबाश, जवेरिया है और कौन है, हामिदुल्ला है, नूर है, जवाद है, आयाब है, शाबाश, अच्छा एक और करते हैं तो फिर नेक्स्ट वीक से फिर और फिजिकल प्रॉपर्टीज आप करते हैं, ठीक है ना, तो इसमें आप लिखे सेकंड जो है उसका नाम है अंडरलाइन करें इसको, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट एन ए टी ई एन टी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है ना, वी ए पी ओ आर आई जेड एच आई ओ एन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अंडरलाइन करें, ठीक है ना, यानी ऐसा हीट जिससे वेपर बन जाए, आपको याद है ना वो तबखीर का अमल जिससे बुखारात पानी बुखारात में वो तब्दील हो जाता है, ठीक है ना, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसमें आप लिखे कौन सा इसकी क्या डेफिनेशन है, इट इज द एनर्जी, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड, to convert liquid into gas, into gas, into gas, bracket में लिखे vapor, V A P O U R, ये no no talking, बातें मत करें शाबाश, female side, ठीक है ना, तो it is the energy required to convert liquid into gas, vapor तब बुखारात में तब्दील होता है पानी, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, पानी को आप कॉन्स्टेंट टेम्परेचर दे दें तो ये पानी जो है ये बुखारात में तब्दील होता है, ऊपर गैसीय स्टेट में चला जाता है, ठीक है ना, तो इस पे है कि ये अच्छा इसमें और कौन सी इम्पोर्टेंट चीज है, फॉर आप इसमें लिखे फॉर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, फॉर हीट ऑफ वेपोराइजेशन इट इज द हीट या इट इज द हाईएस्ट नॉन वैल्यू, नो टॉकिंग बाई फीमेल साइड, बातें मत करें शाबाश, बातें मत करें सर जी, इट इज द हाईएस्ट, अच्छा नॉन इट इज द हाईएस्ट जो है वो ये भी एक हीट स्टेट है ऑफ वाटर, इट इज द हाईएस्ट हीट ऑफ वाटर, ठीक है ना, और एक और इसमें आप लेके
latent heat of fusion. Underline kare. Latent heat of fusion. LATENT. Latent heat of fusion. Ye bhi saath likhe. FUSIOL. Latent heat of fusion. E kya hai? ठीक है ना, आप बातें मत करें तो आपको समझ जाएगा, आप बात करते हैं तो चला जाता है। इट इज द हाईएस्ट एनर्जी, इट इज द हीट एनर्जी, लेटेंट हीट, सॉरी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इट इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ ए सॉलिड, यूनिट मास ऑफ ए सॉलिड टू अ लिक्विड, टू अ लिक्विड एट द सेम टेम्परेचर, एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है ना, इसके साथ लिखे to melt 1 gram of ice, to melt, M-E-L-T, yani 1 gram ice ko piglane ke liye, to melt 1 gram of ice at 0 degree centigrade, at 80 calories of energy is needed, 80 calories of energy, yani 1 gram ice ko piglane ke liye, melt karne ke liye 80 calories ki एनर्जी की जरूरत होती है, जरूरत होती है। ठीक है ना जी, और दोबारा रिपीट करें सर। इट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इट इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ ए सॉलिड टू अ लिक्विड एट द सेम टेम्परेचर, फुल स्टॉप, टू मेल्ट 1 gram ऑफ आइस एट 0 degree centigrade, कामा 80 calories of energy is needed, ठीक है ना, needed, which again is a very high value, is a very high value, cause due to the presence of hydrogen bond, which again is a very high value, cause due to the presence of hydrogen bond, ठीक है ना, समझ आ गई ना, ठीक है ना। तो आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे, फिर जो बाकी सर, क्या शाबाश सर, सर ये लास्ट वाला टॉपिक अगर आप रिपीट करें हम नहीं समझे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेट, अच्छा शाबाश, अब इसको देखें तो बड़ा आसान है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसकी तारीफ ये है, डेफिनेशन ये है, इट इज द हीट एनर्जी, ये असल में हीट एनर्जी है, इट इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ ए सॉलिड टू अ लिक्विड, टू अ लिक्विड एट द सेम टेम्परेचर, फुल स्टॉप, टू मेल्ट 1 gram ऑफ आइस एट 0 degree centigrade, कामा 80 कैलोरीज, सी ए एल ओ आर आई ई एस, 80 कैलोरीज of energy is needed, which again is a very high value caused due to the presence of hydrogen bonds. Samajh aa gayi na? Theek hai na? Yes sir. So it is inshallah sufficient for today. Aage aage zara ye to aap aaj mere mehman hai, to aainda se inshallah zara thoda sa speed bhi laga lenge, theek hai na? और इसको आप लेके जो लेक्चर आपको मिल जाए, जिस टीचर का भी, आप उसको जरा घर बैठकर देखे हैं, ठीक है ना, फिर आएंगे इम्तिहान के लिए सीधा, क्योंकि टाइम आपको नहीं मिलेगा और आपको मेरे ख्याल में आना एग्जाम होगा, ठीक है रिशाद जमील है, तो ये जवेरिया है सर, क्या मैं समझा रही, शाबाश सर, एक आदमी बात करे तो मैं सुन, क्या सर जी सिलेबस सर, कंटेंट सर, कोर्स आउटलाइन, हां बिल्कुल, तो कोर्स आउटलाइन खुदा का सीजन है, उनका का सीजन भरा है, चले बाहर न को नाराज, जिससे तासु दल तो हुए सर, क्या दे जरा बात को सर, समझ नहीं बस तो की उर्दू में बात करें, अच्छा अच्छा ठीक है, यानी यही कोर्स होगा जो हम आपको ये पढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो जो हमने पढ़ाया वही होगा, और मेरे ख्याल में आपका एग्जाम भी ऑनलाइन होगा, ये बड़ा आसान होगा, आप उस पे बैठेंगे या घर से पर्चे देंगे या इधर से हाल में पर्चे देंगे, तो आपके पास सब कुछ अवेलेबल हो, आसान है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं, और ये जी,
پلیز سر تاسو دا چې کوم لیکچر دغه کوي کنه سر نو دا لګ دوباره تاسو دې دا پکچر نو شیر کولای شي هغه نه مونږ چې کوم نو موږ سر بچی دا چې کار چې دونه وخت نشته کړه موږ خدا تاسو دې پس بیا دې پی ڈی پی ڈی کلاس دې بیا دې پس کلاس دې بیا دې پی ڈی کلاس دې دا خو موږ بس یو کسته موږ دغه شو دا نور بس سې ناسي بس بیا به دغه شي کړه وګوره پټیچر سر جی منگو چی دے منگ گروپ تے واتس اپ منگو چی دے کہ منگ دا میٹیریل شیئر کو سر جی نو تا بالکل کروائے کر اور دا خو گورا بالکل بالکل اور دا سے کر دی سر بیا سر تھا تک کوئی کنا اگا من تو مینشن کوئی بے باغا نے منگ ائیڈیا اخ دی چھ ڈیٹا سر ہاں ایگزیکٹلی کا کر اور تا تا سو گورا سٹرکچر اپ واٹر موگی کر امپارٹ سا ویژوال وچ تا سوال تو گورا خدا دا دا سی زونا دی تا بی سی کتاب را والا پلاٹ پہ جارو جی پارٹی تو گورا دا پکې ګور دا خدای له لسم په کتاب کې چې دا واټر سر دا غني سټرکچر یې سړي یي دا نه دي کېږي خیر ځاله نو ټوټه دا واټر سټرکچر دا تاسو له اې کیسه را ہے کې فزیکل پراپرټیز اپ واټر ته هر جگہ نت پہ آپ کو ملے گا 10ویں کی کتاب میں ہے 11ویں کی کتاب میں ہے 12ویں کی کتاب میں ہے تو کوئی آپ سے جو ایک سبجیکٹ ہے وہ تو ہم نے دور کیا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے آپ کو یہ سارا علم جو ہے سارے اس پہ کوزے میں بن کیا ہے سمجھ آ گئی نا جی یہ بڑے بڑے شاباش بڑے سارے سارے سر ہمیں پلیز کورس آن لائن کے ٹاپک بتا دے صرف کیا سر ہمیں کورس آن لائن کے ٹاپکس ہیں نا مین ٹاپکس وہ بتا دے تاکہ ہم پہلے سے ریڈ کریں اے خدا کے بندے تو یہ میں کیا کر رہا ہوں یہ میرا آپ سلیبس سلیبس نہیں جی ہر روز جو لیکچر کرتے ہیں پھر آپ کو ٹاپک دیتے ہیں ٹاپک خدا کے بھائی یہ ٹاپک ہے نا آپ دیکھیں نا کہ واٹ از دیٹ وائی ڈیفائن کرے پلان کی چیریٹی اور رائٹ دیئر جو ہے امپورٹنس ہے پھر دوسرا ٹاپک آپ کے لیے سٹرکچر آپ واٹر ہے پھر تیسرا سبجیکٹ ہے پراپرٹیز آپ فزیکل پراپرٹیز آپ واٹر ہے اس کے بعد ہم پھر چاہیں گے کہ امپورٹنٹ آپ پلانٹ فیزیولوجی ٹو پلانٹ لائف یا امپورٹنٹ آف واٹر ٹو پلانٹ لائف یہی ٹاپک ہے اور پلانٹ ٹاپک کہاں سے ہے یہ خبر سر یہ سوال بل میں کہو سر داتا سکم لیکچر ریکارڈ کے کنا سر دا بمدی کی پروتی ریکارڈڈ آو دا داغی ریکارڈ کی بالکل مجید صاحب مطلب واٹس اپ گروپ مانے واٹس اپ گروپ تے جمان تے سر جی کنورٹ سی بس دا کو ساس ہوتا ہوا ہے کنا بندو شو جی دا جی کار دے او دا ہوتا تا سو ہے ٹول اولی کا بس دا کرے اس ہوتی ہاں اگلے ہفتے ملاقات ہوگی اور اس کو آپ اچھی طرح سے دیکھیں اور اس کو اسٹڈی کریں انشاءاللہ اور یہی چیزیں بالکل بس دعا کریں کہ اگر اس طرح اسٹارٹ ہو تو ٹھیک ہے ورنہ حکومت کی مرضی ہے کب بند کرے کبھی کھولے ہمیں تو بس کیا کریں ان کی بات سنتے ہیں اچھا وش یو بیسٹ آپ جو ہے کہ آپ سب سر رمضان میں 9 بجے کلاس ہوگا بس اسی طرح پھر دیکھیں گے یہ بدل دیں تو پھر یہ آپ کو جو ہے وہ پھر کنوے کریں گے ٹھیک ہے نا یہ یونیورسٹی والے ٹھیک ہے نا شاباش سر فزیکل کلاسز از بیٹر دین آن لائن کلاسز بیکاز وی کانٹ انڈرسٹینڈ دس سو پرابلم ہیئر سر کیا چیز کا پرابلم ہے آپ کو کمرے میں بیٹھے اور ہم آپ کو وہ تو ہمارے لیے آسان ہے ہم آپ کو بورڈ پہ لیکچر دیا کریں گے ٹھیک ہے نا بس آپ آئیں جو آنا چاہیں ادھر آئیں بس ٹھیک ہے نا ہفتے کو آیا کرے جمعے کو آیا کرے اتوار کو جایا کرے ٹھیک ہے نا وش یو بیسٹ تھینک یو ہمیں کی دعاؤں میں یاد رکھیں رمضان ہے ہم آپ کو دعاؤں میں رکھیں گے یاد رکھیں گے وش یو بیسٹ آپ آن ٹھیک ہے نا اللہ حافظ سر اللہ حافظ شاباش شاباش تھینک یو تھینک یو مہربانی تھینک یو اللہ کے حوالے اللہ کے السلام علیکم ویڈیو نہیں آ رہی تھی آج ہلو جی ہلو ہلو ہیلو ہیلو جی منگ وہ چپل گروپ جوڑ کو دویتا اپلیکیشن کو نو منگ بخیر یونیورسٹی تے زوک لاس پالو جی ٹھیک تے دا واٹس ایپ گروپ پتہ سو جوڑ کے کنا واٹس ایپ گروپ جوڑ دے واٹس ایپ گروپ جوڑ دے جی نمبر اپ اس میں کریں گے میں نے بننے تھے جی
मैं यहाँ पर लिंक कर रहा हूँ सब ग्रुप का, सब इस ग्रुप को नंबर ठीक है, मैं यहाँ पर ग्रुप शेयर कर रहा हूँ, हम नंबर शेयर कर ग्रुप में, या मुझे नंबर सेंड, मैंने नंबर सेंड किया चैट में, ये चैट में जरा आप लोग देखिए उसमें से मुझे ऐड कर लेना, हाँ मैं यहाँ पर लिंक शेयर कर रहा हूँ, सब इसे ज्वाइन करें ठीक है चैट में, हाँ जी ठीक है आप शेयर करें जरा, थोड़ा वेट करें प्लीज, ठीक है ठीक, ये मैंने लिंक दे दिया, सबको नजर आ गई, नहीं ना, नहीं अभी नहीं 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 यार, ओके मैं दोबारा कोशिश कर रहा हूँ, अब ठीक है, हाँ सब इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, सिर्फ एमपेल बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बनाए हैं, इसमें हम सब कुर्तबा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे, जो भी इंफॉर्मेशन किसी के पास हो तो इस ग्रुप में काइंडली शेयर करें, ओके सर ये तो रिडक्शन करवा रहे थे, दैट्स नॉट अ गुड सर, अगर ये लेक्चर दे हमें यार आउटलाइन दे दे तो उसके मुताबिक हम कंटिन्यू कर सकेंगे, अदरवाइज ये तो रिडक्शन था, सब हा कुछ मंगम को दे बेखो आलो पकार ना बस मंग बखपल टॉपिक गुर को क्या ऑनलाइन चकम दे टॉपिक पता यार नो मंगला पकार जिस स्लेट द किया मु यूनिवर्सिटी के मु तक क्लास अरेंज Sir, because we have no problem in deductions, we have a good spelling. Sir, हमें concept चाहिए। बिल्कुल। जरूरी जरूरी। आज यहाँ पर अपने experience भी share करें और students के साथ, okay? और जिस किसी ने भी notes बनाए हैं, वो भी ये share करें। जिस किसी ने भी ये notes लिखे हैं, तो उसकी picture भी share करें। आप सब ने लिख लिए? सर आप ये बात आगे ले जाएं कि स्लाइड बनाया करें, स्लाइड पर हम उनसे स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर वीडियो जो है उनसे कम कर लेंगे तो उनसे हम कॉन्सेप्ट ले लेंगे, सर ये तो डिडक्शन था आज का, मैं फिर उससे बताऊंगा जब मैं अगर नहीं तो हम दरखास्त लिखवाएंगे और उधर, हाँ ना तो दरखास्त ठीक है ना, दरखास्त लिख दे कि हमें फिजिकल क्लासेस लेनी है ना हमें, हाँ बस फिजिकल नहीं हो सकता ना, फिजिकल तो नहीं होगा, गवर्नमेंट का डिसीजन है तो सर, फिर तो ये जो फिजियोलॉजी है तो बहुत मुश्किल टॉपिक है, इस तरह तो ये फिजियोलॉजी बहुत डिफिकल्ट है ठीक है, हाँ इसमें इसमें जो फोटोसिंथेसिस है, इसमें जो रेस्पिरेशन वगैरह है, रेस्पिरेशन एरोबिक ये बहुत डिफिकल्ट है, इसके अलावा किस तरह सर किस तरह एक स्पेलिंग बता के हम लिखेंगे इसे तो समझ नहीं आएगी ना, मुझे बिल्कुल सुने आप लोग इस तरह कर ले कि फिजिकल मुश्किल है क्या हमें इजाजत दे दे क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहता, लेकिन एक बात है कि इनको बताए सर को कि एक तो वीडियो आप किया करें और दूसरी बात है कि जो लेक्चर रिकॉर्ड है ये मुझे अभी इधर का तरीक नहीं आ रहा, ये रिकॉर्ड कर जरा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें जिसको आता है रिकॉर्ड करने का, सर आप लोग स्लाइड बनाया करें, स्लाइड इज बेटर सर, स्लाइड इज बेटर देन डिडक्शन सर, स्लाइड बेटर होता है ना क्योंकि उसमें फिर हम इजीली समझ सकेंगे, जी जी व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे हम, तो बना है ना व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओ ना सब, सब ऐड करो, सब ग्रुप बना ये आप लोग ज्वाइन कर लिए, मैंने भी ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन किया आप सब ने,
नहीं नहीं ये नंबर आप ऐड करें भाई जान। यार मैंने लिंक लिंक दे दिया है, इसको क्लिक करें जी, आप ऐड हो जाएंगे जी।